हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल गेमिंग गियर एंड गैजेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की और जानेंगे उसके फीचर्स। सो प्रोडक्ट है एसर पीडेटर के लिए उस 300। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त गेमिंग लैपटॉप है। वोट में अडेप्टर है इसका। फिर इसके बाद देखते हैं हम इसके सबसे पहले मैनुअल। मैनुअल में आपको कुछ स्टिकर मिलते हैं इस तरह के, और वारंटी है जो इसके साथ एक इंटरनेशनल वारंटी होती है। आप ऑल ओवर इन कंट्री इसकी वारंटी कहीं भी देख आप देख सकते हैं। प्रीडेटर का लोगो है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। काफ़ी अच्छे इम्प्रेसिव पैकिंग है इसकी। ब्लैक कैरी बैग, काफ़ी अच्छा कैरी बैग दिया इसको ब्लैक कलर। आप देख सकते हैं काफ़ी इम्प्रेसिव और यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। ये आपको देख सकते हैं, ये प्रीडेटर का लोगो मिलता है आपको यहाँ पे। जो आप जब इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे इसमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग दिखेगी आपको। इसके बाद हम आते हैं इसके बैक पैनल पे। बहुत ही बड़ा सेक्शन मिलता है इसमें आपको। ये इधर इसके फैन दिए हुए हैं, ये एयर इंटेक करने के फैन इधर से, और ये आपके आउटलेट के दिए हुए हैं जिससे आपकी हीटिंग जो होती है उसको बहुत ही फास्टली रिमूव करते हैं। कुछ इस तरह के डिज़ाइन में है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। मेटल बॉडी है। प्रोफेशनल गेमर हैं जो गेमिंग करते हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब आपको इसके थोड़ा डिज़ाइन देखिए आप इसके। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका। इसका वेट काफ़ी भारी है, 2.5 केजी में वेट है इसका, जो एक गेमिंग लैपटॉप के लिए नॉर्मल होता है। बहुत सारी चीज़ें आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि आपको पता है इसमें एक डिस्प्ले का स्लॉट दिया हुआ है और आपको एक HDMI का स्लॉट दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीम करना चाहें तो आपकी स्ट्रीमिंग बड़ी ईजिली हो सकती है इससे। इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेमिंग लैपटॉप मानता हूँ आप सबके लिए। अब जानते हैं इसके फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे देखते हैं आप, इसका स्क्रीन जो है इसकी 15.6 इंचेस की इसकी स्क्रीन है। फुली HD डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है इसकी 240 हर्ट रेट्स के साथ। दूसरा आपको इसमें जो इसका रेस्पॉन्स रेट है इसकी स्क्रीन का 3 सेकेंड्स का इसका रेस्पॉन्स रेट है। और अगर हम इस पर गेमिंग करते हैं तो आपका किसी भी तरह का इस पर लैग का इशू नहीं होगा, ना ही कोई गेम में इशू आएगा इसके डिस्प्ले में। ये लैपटॉप आपको इस प्राइस में काफ़ी अच्छी मटेरियल के साथ मिलता है। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है इसमें। आप देख सकते हैं ना ही इसमें कोई भी क्रैकिंग साउंड आपको मिलेगी एजेस में इसके। उसके साथ इसकी जो वर्किंग है आप इसमें करेंगे काफ़ी स्मूथ हो जाती है आपकी वर्किंग इसमें। अब आते हैं इसके कीबोर्ड के सेक्शन में। आप पहले हम इसको हटाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बताऊंगा, इसमें आपको मिलती है RGB कलर का कीबोर्ड, जो आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें इंटेल i7 10th generation 16 GB की रैम है DDR4 की, जिसको आप एक्सपेंडेबल 32 GB तक करा सकते हैं। 256 GB का इसमें SSD कार्ड है, जिसको एक स्लॉट और दिया गया है इसमें आपको, जिसमें आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हैं आगे। इसके साथ इसमें आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव भी मिलती है, और आपको इसमें 8 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है NVIDIA GTX Force का 2070 का। अगर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने स्टोर का लिंक शेयर कर दिए। आप डायरेक्टली वहां पे जाके लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को हमारे डायरेक्टली आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।